जो प्याज मेरा सवाल था कि मैं खबरों में पढ़ रहा था कि नेदरलैंड्स में उन्हें बुरका बैन करने का सोच रहे हैं वो। कहाँ? नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स, हॉलैंड में। हाँ, नेदरलैंड में। हाँ, और उसका वो फाइन भी रख रहे हैं कि 300 यूरो का फाइन होगा अगर कोई औरत पहने। अच्छा, तो फिर अगर उधर हमारी कोई आधी खबर तुम्हें पता है, मेरा ख्याल है पूरी खबर नहीं पता। उन्होंने कहा पब्लिक जगह है जहाँ कोर्ट है, जहाँ ओथ देनी है, या इस किस्म की जगह है, वहाँ वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करेंगे। अभी पार्लियामेंट में जाना है और ये भी उनकी है तजवीज़ है। अगर सवाल ये है कि बुरका जो शटलकॉक बुरका है या डाकुओं की तरह बुरका है, उसको तो वैसे ही बैन हो जाना चाहिए। अगर उसकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरत है ना, तो पहचान होनी चाहिए। तो अगर पासपोर्ट पर सारे ने तस्वीर लगाई हुई है ना, हर औरत का जो पासपोर्ट बना हुआ है, वो कोई बुरका पहन के तस्वीर खिंचवाई है उसने, तस्वीर खिंचवाई है ना। इमिग्रेशन वाले देखते हैं जब तुम जाते हो, बॉर्डर क्रॉस करते हो, वहाँ देखे जाते हैं, पासपोर्ट चेक होते हैं, पासपोर्ट ऑफिसर देखते हैं ना सारे। तो जहाँ जो ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बाज़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ वो नकाब कहते हैं कि इस तरह लो, जो शरीफाना तरीका है उस तरह लो, तो उनको उन्होंने बैन नहीं किया, उन्होंने वो नकाब को बैन किया है यूँ करके, जो सिर्फ हैं, ठीक है ना। तो जब आएगा कानून देखी जाएगी, अभी तो कोई नहीं है। फ्रांस में भी बहन है तो हम गुजरते ही हैं, जाते ही हैं, एमडी औरतें में रहती हैं, बाज पुरका पहन रही हैं, स्कार्फ भी ले रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। फिर तुम्हें क्या फिक्र है, तुमने तो नहीं लेना है? शादी हो गई? नहीं, बीवी भी है नहीं, फिर क्या फर्क है? और ये उनको में तो आएंगे सवाल, उठेंगे भी, बहुत सारे उठेंगे। वहाँ कनाडा में भी जो पहले रूलिंग पार्टी थी, जो आप अपोजिशन है, जिसके प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर अच्छे ताल्लुक हमसे रखता था, मुझसे भी ताल्लुक अच्छे रखे हुए हैं, अभी भी कैलगरी के फंक्शन में भी आया हुआ था। वो जब पार्टी हार गई तो उसने रिज़ाइन कर दिया। अब उनके वहाँ पार्टी लीडर के लिए इलेक्शन होने हैं, उनमें से भी एक पार्टी, उसमें से एक आदमी, एक औरत है मेरा ख्याल बन, वो उसने यही ऐलान किया कि मैं पार्टी लीडर बनूंगी तो मैं मुसलमानों पर पर्दा और हिजाब बैन कर दूंगी, और पता नहीं मस्जिदों को इस तरह बना दूंगी, और कुछ ऐसी बातें की थी। तो उस पर वहाँ भी इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। बल्कि यहाँ आया हुआ तो स्टीफन हार्पर जो प्राइम मिनिस्टर एक्स, उसको मैंने कहा कि तुमने तो रिज़ाइन कर दिया, तुम्हारे जो ये लीडर खड़े हो रहे हैं इस किस्म के पागल खड़े हो रहे हैं। तो कहता नहीं नहीं मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इलेक्शन के तौर पर वो अपना उसने दिया हुआ है, मुझे नहीं ख्याल कि इस बात पर यकीन भी करती रखती है वो या करेगी भी। लेकिन बहरहाल इससे अंदर का जाहिर हो जाता है इनसे, जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, तुम्हें समझते हों और तुम्हारे दोस्त भी हों, तब भी उनका अंदरूना जाहिर हो जाता है, जो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ थोड़ी सी पक रही है ना अंदर अंदर दिल में खिचड़ी, वो तो है ना। ज़ाहरी तौर पे उन्होंने अपना शुगर कोट किया हुआ है ना, अखलाक दिखाने हैं, ये कहना नहीं। इसलिए अब जो हमले इस्लाम पे हैं वो तलवार के हमले ज़ाहरी नहीं हैं, वो मुख्तलिफ दजल हैं इनके, जिसको मुस्लिम ने बयान फरमाया, जिसमें लिटरेचर भी है, तकरीरें भी हैं और ज़राए भी हैं। तो इस तरह इस किस्म के चीज़ें भी हैं जो हमले इस तरह होते हैं, तो इसलिए उसको उसी तरीके से हमने भी हैंडल करना है, वही जवाब देना है। ज़ाहरी तौर पे तो आएंगे, अगर हम उनकी इस बात का सख्ती से जवाब देंगे तो कह देंगे देखो हम नहीं कहते इस्लाम है ऐसी पसंद, तो जो हथियार वो इस्तेमाल करें ये असूली बात ने फरमा दी है, सिर्फ लिटरेचर के बारे में नहीं, असूली बात है ये कि जो दुश्मन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें वही हथियार इस्तेमाल करना है। अगर वो प्यार से या तरीके से सियासी रंग में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने भी वैसे ही हमले करने हैं। अलहरब खुद तुम हैं दाव पेज यहाँ यही है लड़ाई में।